Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel EC Alley. Today we shall practice of the to be verb sentence. जैसा कि मैंने कल आपको to be verb sentence पढ़ाया था और कल की वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, क्योंकि वीडियो लगभग 2 GB की थी और 23 मिनट की थी। इसमें लगभग 4 से 5 घंटे इसको अपलोडिंग में टाइम लग गया और लगभग 6 GB नेट खा गया। सो दैट्स व्हाई आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम यस्टरडे एंड टुडे वी शैल प्रैक्टिस ऑफ द टू बी वर्ब सेंटेंस। आज हम टू बी वर्ब सेंटेंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे और जैसा कि आप लोग सेंटेंस देख सकते हैं, घर नया है, हम अमीर हैं, बच्चे को से दूध सफ़ेद है, घर में माँ है। तो मैंने ये 5 सेंटेंस लिए हैं आपके लिए टू बी वर्ब की सेंटेंस की प्रैक्टिस के लिए। तो आप यह इस प्रकार की सेंटेंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्टली आई शैल मेक सेंटेंस ऑफ दी घर में मेहमान है या अदर, 5 में से कोई भी सेंटेंस एक बनाऊंगा, उसके बाद अपन बोलकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन की। तो मैं पहला सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे मैं दूध सफ़ेद होता है, तो दूध सफ़ेद होता है तो हम बना सकते हैं दूध सफ़ेद होता है, क्या बनेगा, मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद नहीं होता है, मिल्क इज नॉट वाइट, क्या दूध सफ़ेद होता है, कैसे बनाएंगे, इज डॉट पेन का यूज़ करते हैं रेड का क्योंकि चल नहीं रहा है, इज मिल्क वाइट, क्या दूध सफ़ेद नहीं होता है, इज मिल्क नॉट वाइट, दूध सफ़ेद क्यों होता है, Why is milk white? Why is milk white? दूध सफ़ेद क्यों नहीं होता है, दूध सफ़ेद क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, Why is milk Why is milk not white? तो आप देख सकते हैं कि हम लोग को ट्रांसलेशन कैसे करना है, दूध सफ़ेद होता है milk is white, दूध सफ़ेद नहीं होता है milk is not white, क्या दूध सफ़ेद होता है is milk white, क्या दूध सफ़ेद नहीं होता है is मिल्क नॉट वाइट, दूध सफ़ेद क्यों होता है, वाई इज़ मिल्क वाइट, दूध सफ़ेद क्यों नहीं होता है, वाई इज़ मिल्क नॉट वाइट। तो इस प्रकार हम सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें सेंटेंस बनाने कैसे हैं। तो हम एक एक करके सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं और आप भी बोलने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बोला घर नया है तो कैसे बनाएंगे, हाउस इज न्यू, घर नया नहीं है, हाउस इज नॉट न्यू, क्या घर नया है, इज हाउस न्यू, घर क्या घर नया नहीं है, इज हाउस नॉट न्यू, घर क्यों नया है, वाई इज हाउस न्यू, घर क्यों नया नहीं है, वाई इज
हाउस नॉट न्यू, आप ऐसे ही बोल सकते हो। दूसरा सेंटेंस, दूसरा वाक्य लेते हैं, हम अमीर हैं, कैसे बनाएंगे? वी आर रिच, हम अमीर नहीं हैं, वी आर नॉट रिच, क्या हम अमीर हैं? आर वी रिच, क्या हम अमीर नहीं हैं? आर वी नॉट रिच, हम अमीर कैसे हैं? हाउ आर वी रिच, हम अमीर कैसे नहीं हैं? हाउ आर वी नॉट रिच। तो मैंने वी के साथ आर का यूज़ किया है। थर्ड सेंटेंस लेते हैं, बच्चे खुश होते हैं, चिल्ड्रन आर हैप्पी, बच्चे खुश नहीं होते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट हैप्पी, क्या बच्चे खुश होते हैं? आर चिल्ड्रन हैप्पी, क्या बच्चे खुश नहीं होते हैं? आर चिल्ड्रन नॉट हैप्पी, बच्चे खुश कैसे होते हैं? हाउ आर चिल्ड्रन हैप्पी, बच्चे खुश कैसे नहीं होते हैं? हाउ आर चिल्ड्रन नॉट हैप्पी। फोर्थ सेंटेंस अपने बना ही लिया, तो फिफ्थ लेते हैं, घर में माँ होती है, हमारे सबके घर में एक माँ होती है जो जिसने हमें जन्म दिया है। तो हम बनाएंगे, घर में माँ होती है, मदर इज इन होम, घर में माँ नहीं होती है, मदर इज नॉट इन होम, क्या घर में माँ होती है? इज मदर इन होम, क्या घर में माँ नहीं होती है? इज मदर इन, इज मदर नॉट इन होम, घर में माँ कब होती है? When is mother in home, घर में माँ कब नहीं होती है? When is mother not in home। तो इस प्रकार हम सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले हमें सेंटेंस बनाना है, उसके बाद हमें सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, ट्रांसलेशन की हमें प्रैक्टिस करनी है, ताकि इतना ज़्यादा अभ्यास हो जाए कि कोई भी सेंटेंस पूछे फटाक से आप ट्रांसलेशन कर पाओ। तो ऐसा सिर्फ सिर्फ हो सकता है सिर्फ प्रैक्टिस के माध्यम से। सबसे पहले आप ऐसे सेंटेंस बनाइए, पहले अगर आपका स्टार्टिंग है तो सबसे पहले सेंटेंस को बोलिए, देखकर बोलिए, उसके बाद प्रैक्टिस आएगी। तो जैसे मैंने आपके सामने प्रैक्टिस की है, उसी आप उस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। और आप चैनल पर अगर नहीं हुए तो मेरी सजेशन है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, सीरीज देखें, ये फोर्थ वीडियो है, उसके बाद जब ये वीडियो देखोगे तो आप ऐसे सेंटेंस बना पाओगे, आप एंजॉय कर पाओगे। सो आज के लिए इतना ही, टिल दी टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।